आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या पारस जी अगर आते हैं तो? चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते। कहीं पे कैंडिडेट का नाम ओपन हुआ है किसी पार्टी का? नहीं हुआ है तो अब चिंता क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के एनडीए में सीट शेयरिंग की तस्वीरें साफ है तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में अभी भी पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले आपको कि अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं एक बार फिर आरजेडी विधायक रीतलाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें आपको कि पाटलिपुत्रा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे रीतलाल यादव, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमारे नेता हमारे अध्यक्ष चाहते हैं कि हम पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़े और जीते, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पूरे तरीके से तैयार है, कहते हुए नजर आए रीतलाल यादव। तो वही जब पत्रकारों ने उनसे ये सवाल किया कांग्रेस की नाराजगी को लेकर, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इसका जवाब हमारे लालू यादव देंगे क्योंकि उन्हीं को अधिकृत किया गया है, तो ये उनका अधिकार है, ये सवाल आप उनसे करें। इसी के साथ साथ पशुपति पारस की नाराजगी को लेकर जब सवाल किया गया कि क्या आरजेडी पशुपति पारस का स्वागत करेगी, तो इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आए आरजेडी विधायक रीतलाल यादव, पहले आपको वो सुने। पूछिएगा तुम नहीं क्या सुनना चाहते हैं आप? सीट को लेकर क्या रीतलाल जी आप भी चाह रहे हैं कि हम चुनाव मोबाइल से कर रहे हैं साहब? हम नहीं चाह रहे हैं, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि हम पाटलिपुत्रा क्षेत्र से चुनाव जीते हैं, और जैसा वो सोचेंगे उन्हीं के अनुसार हम लोग को चलना। आप तैयार हैं सर? हम लोग पूरे पूरे पार्टी के सिपाही लोग तैयार हैं। सीट शेयरिंग नहीं अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग अभी कहीं पे कैंडिडेट का नाम ओपन हुआ है किसी पार्टी का? नहीं हुआ है तो अब चिंता क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा रीतलाल जी, बिना सीट शेयरिंग के पहले ही अब लालू यादव सिंबल जो है दे रहे हैं कुछ, इसमें कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है आप ही लोग पे। देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस विषय पे अधिकृत उन्हीं को किया गया है, जो भी जवाब देंगे वही देंगे। अच्छा जिस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ, पशुपति पारस को कुछ नहीं मिला, पशुपति नाराज है और अब कह रहे हैं कि हम 400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, हमारे पेट में छुरा भोंका गया है, ये मामला पशुपति पारस जी का है, हम लोग का। आप लोग अगर आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या पारस जी अगर आते हैं तो? स्वागत कीजिएगा। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या लगता है पशुपति पारस के साथ बीजेपी के लोगों ने नाइंसाफी किया है? इस विषय पर हम क्यों कहें, वो तो पारस ऊपर पारस जी ने जानेंगे। नहीं अब कह रहे हैं जो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बोलते थे उनको गले लगा लिए हैं, हम लोगों को दूर कर दिए हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे वही हम लोग बोलेंगे और वही आगे करना रहेंगे। आपकी जो दावेदारी होगी कहीं से? मेरी कहीं से कोई दावेदारी नहीं है, हमारे पूरे महागठबंधन के पूरे 400 सीट में दावेदारी है। पर कांग्रेस में पप्पू यादव का विलय हो गया है और पप्पू यादव द्वारा चुनाव लड़े जाएंगे। ये कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस पार्टी ने उनको जिम्मेवारी लेगा कि हम उनको लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे। पशुपति पारस का स्वागत करेंगे या नहीं इसका जवाब देते हुए नजर आ रहे थे रीतलाल यादव और कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये सवाल आप हमारे अध्यक्ष लालू यादव से कीजिए। तो वही जब पत्रकारों ने सवाल किया पप्पू यादव को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिम्मेवारी ली है पप्पू यादव की, तो ये सवाल आप कांग्रेस से करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वही उन्होंने यह भी कहा कि पाटलिपुत्र सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि उनके नेता यह चाहते हैं। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी विधायक रीतलाल यादव, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।